Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिस्ट्री पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल एंकर डिस्ट्री पॉइंट। गाइस, आपका भाई एक बार फिर से आ गया आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंटली घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। जी गाइस, अपने मोबाइल फोन से आप ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन। किस तरीके से आपको ये लोन मिलेगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या आपको करना होगा, सब कुछ आगे बताऊंगा। पहले आप जल्दी से वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहां से आप ले सकते हैं इंस्टेंटली लोन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है रूपी सर्कल। यहाँ से ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक का लोन। सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है, इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले आपको इसके अंदर साइनअप करना होगा। एज ए बोरोवर पर आपने क्लिक करना है, आपको यहाँ पर साइनअप करना है आपके मोबाइल नंबर से। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, आपको पासवर्ड बनाना है, आपने इस एप्लीकेशन के अंदर साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। जब आप जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं गाइज, अब आपको यहाँ पर बोरोवर एप्लीकेशन फॉर्म जो है कम्प्लीट फिल करना होगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप कम्प्लीट करने हैं, जिसमें आपको बेसिक डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एडिशनल डिटेल देनी है। तो चलिए बेसिक डिटेल में हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या फिल करना होगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर लोन रिक्वायरमेंट डिटेल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप यहाँ पर 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीने, यानी आप यहाँ से 2 लाख रुपये का लोन 24 महीने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कितने रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर कम से कम 1,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको घटा देते हैं, इसको 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर देते हैं। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर प्रपोज करना है कि किस चीज़ के लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं। नीचे आपको 10 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, इनमें से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर मेडिकल बिल पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल कंप्लीट फिल करनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके फादर का नाम, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको वो डाल देना है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो डाल देनी है, आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, आपके बच्चे कितने हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गाइज, यहाँ पर अगर आपकी कोई अदर सोर्स इनकम है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपके पास बेसिक फोन है तो बेसिक फोन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फोन कनेक्शन आपके पास पोस्टपेड या प्रीपेड है वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल डिटेल देनी है, अपना एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, कंट्री आपको यहाँ पर डाल देनी है, स्टेट आपको यहाँ पर डाल देनी है आपकी। इसके बाद ये पूछिए भाई करंट एंड परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, तो आपने यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज, आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन कौन सी आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन डिटेल देने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अलग डिटेल फिल करनी होगी, और अगर आप सैलरीड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अलग डिटेल कंप्लीट फिल करनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस सिलेक्ट करना है कि बिजनेस करते हैं आप या प्रोफेशनल है, तो हम बिजनेस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फर्म नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फर्म टाइप कौन सा है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। आपकी ईयरली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर वो आपने यहाँ पर डाल देना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर कंपनी का एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज, आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंकिंग डिटेल देनी होगी, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी, और लास्ट में आपको लाइबिलिटीज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंकिंग में सिलेक्ट करना है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि कितने दिन से आप बैंकिंग करते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और लास्ट में ये पूछ रहे हैं आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर नाम डाल देना है, उसके बाद IFSC कोड, आपके बैंक का नाम क्या है, उसके बाद अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, और लास्ट में आपका अकाउंट टाइप कौन सा है सिलेक्ट करना है, और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर लेबिलिटीज सिलेक्ट करना है। मिस पेमेंट अगर आपने पिछले 6 महीने में किया है तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका चेक बाउंस हुआ वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कभी अगर हुआ है तो, अगर नहीं हुआ तो जीरो कर देना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछ रही है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट में आपने इसको नो कर देना है, 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड की फोटो, आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटो अपलोड करनी होगी, राशन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। आपको कैंसिल चेक यहाँ पर अपलोड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की यहाँ पर अपलोड करनी होगी, पिछले 3 साल की ITR आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, आपकी शॉप का लाइसेंस आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बिजनेस रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी पिछले 2 साल की। तो गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपके यहाँ पर लोन की जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ई साइन अग्रीमेंट वगैरह करना होगा। अगर आप ई साइन अग्रीमेंट वगैरह कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर जो लोन आप सिलेक्ट करेंगे वो लोन आपके बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो गाइज आप इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ से लोन। मुझे उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टेप बता दिया किस किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, वो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। मुझे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर लोन नहीं चाहिए, लोन आपको लेना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये लोन खुद ही अप्लाई करना होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं लेकिन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।